हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है, और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए, और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन क्या होती है, वो किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, और वो किस तरह से हमें बाय के सिग्नल प्रोवाइड करती है, वो इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जनरली क्या रहता है कि हम अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं, अलग अलग चार्ट पैटर्न्स का सहारा लेते हैं। अगर हम बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं तो हमें इंडिकेटर अच्छी तरह से समझ में नहीं आते, हमें पैटर्न भी चार्ट पे अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करने को नहीं आता, तो उस तरह के सिचुएशन में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी हम गलत तरीके से पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं और हमारा पैटर्न फेल्योर हो जाता है और फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। इंडिकेटर का भी इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए अगर हमें ये प्रॉपरली पता नहीं होगा तो हम उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फाइनली फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होकर हमें लॉस हो जाता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन रहेगी तो एक सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करके भी हम ट्रेड कर सकते हैं और हमारी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कभी भी ट्रेडिंग के साथ मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, क्वांटिटी मैनेजमेंट, जो कि अलग अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं, उसे भी अप्लाई करके ही ट्रेडिंग करना पड़ता है, तो ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, यानी कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ हमें मनी मैनेजमेंट को भी अप्लाई करना पड़ता है, और ये करेंगे तो ही हमें फिर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। तो अगर आपको चार्ट पैटर्न समझने के लिए डिफिकल्टी आती होगी या तो टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आता होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम खाली जो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइंस रहते हैं उसका ही इस्तेमाल करेंगे, वो किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं वो देखेंगे, और खाली वही ट्रेंड लाइन हमें किस तरह से बाय सिग्नल देते हैं वो इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी पहले आपको बता दूं कि अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइंस किस तरह की रहती है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, तो अभी ये लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये लाइन कहाँ पे मूव हो रही है, अपसाइड में मूव हो रही है। तो जब भी कोई भी लाइन अपसाइड में मूव होती है तो हम कहते हैं कि ये ट्रेंड लाइन है और ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ये अपर साइड में मूव हो रही है। जब भी कोई भी चार्ट पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और मान लीजिए अगर चार्ट पे हमें इस तरह की ट्रेंड लाइन मिल जाती है तो हम कहते हैं कि वो चार्ट या तो वो रिस्पेक्टिव स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ये पहली बात हो जाती है। हमें यहाँ पे बाइंग सिग्नल आइडेंटिफाई करने के लिए स्टॉक का चार्ट ये लाइन से ऊपर ट्रेड करना चाहिए। जब भी ऊपर से नीचे आएगा और ये ट्रेंड लाइन पे आएगा तो हमें वो एक बाय सिग्नल दे देगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी बहुत ही अच्छी तरह से एज ए सपोर्ट वर्कआउट होती है। तो यहाँ पे हमें एक बाय सिग्नल मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद स्टॉक फिर ऊपर जाएगा, फिर उसमें गिरावट आएगी, फिर वो ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी वहां पे वो फिर से सपोर्ट लेगा और फिर से हमें बाय सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एक बाय सिग्नल मिल गया, यहाँ पे एक बाय सिग्नल मिल गया। तो बेसिकली ये जो हमने ड्रॉ किया था इसे हम अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन कहते हैं, जो कि हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक ये ट्रेंड लाइन पे प्रिपेयर होता है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, और जब भी स्टॉक ऊपर से नीचे आएगा ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा, कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाएगा, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे बाय सिग्नल मिलेगा।
तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के बारे में। अभी थोड़ा हम प्रैक्टिकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो अभी मैं इसका डेली चार्ट ओपन करता हूँ। अभी ये टाइटन का चार्ट मैंने लिया है, ये कैंडलस्टिक चार्ट है और ये डेली चार्ट है। अभी यहाँ पे थोड़ा समझ लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो तीन ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके रखे हैं, तो ये जो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ किए हैं इसके जरिए ही हम समझ लेते हैं कि किस तरह से अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से हम इसका फायदा लेकर भी बाइंग सिग्नल को आइडेंटिफाई करके अच्छी तरह से ट्रेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो ये एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं और फिर बाद में अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ये इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। ये ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये ट्रेंड लाइन अपवर्ड साइड में मूव हो रही है। इसका मतलब है ये एक अप ट्रेंड लाइन है, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। तो हमारा चार्ट अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करेगा तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये ट्रेंड लाइन हम एज अ सपोर्ट वर्कआउट कर सकते हैं। जब भी ये स्टॉक ऊपर से नीचे आएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो वहां पे हमें बाय सिग्नल मिलेगा। तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से बाय सिग्नल हमें मिल गया और स्टॉक यहाँ तक चला गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, राइट। अभी कितना ऊपर जाएगा, क्या होगा, यह हमें पता नहीं है, लेकिन हम डेफिनेटली यहाँ पे बाय सिग्नल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेडिंग करते समय किस तरह से करनी है वो अलग बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिल रहा है। ट्रेडिंग करने के भी आसान तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता दूं कि जब भी ये चार्ट ऊपर से नीचे आएगा और जब भी ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल आपको मिल जाती है तो ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है, वही कैंडल के लो के नीचे थोड़ा बफर लगाकर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और डायरेक्टली आप 1:2 का टारगेट लगाकर इसको छोड़ दीजिए। 1:2 यानी कि अगर आपका लॉस 1 रुपीज का हो रहा है तो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन आप 2 रुपीज का कर लीजिए, तो वो लेवल आती है तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट। और जैसे स्टॉक में मूवमेंट आती रहती है आप उसे ट्रेल भी कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉफिट लॉकिंग भी हो जाएगी। तो इसमें भी अलग अलग तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो कि ये वीडियो का टॉपिक है कि अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के साथ हम बाय सिग्नल किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बस ये ट्रेंड लाइन अपवर्ड साइड में मूव हो रही है, चार्ट ऊपर है, जब भी नीचे आएगा ट्रेंड लाइन पे ग्रीन कैंडल बनाएगा, हमारे लिए बाय सिग्नल मिल जाएगा, राइट, जैसे कि यहाँ पे हुआ। अब ये पहला एग्जाम्पल हमारा हो जाता है। अभी दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड टाइम पे हमें ये कहाँ पे सिग्नल दिया है। तो यहाँ पे अभी मैं ये चार्ट को थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमने सेकंड ट्रेंड लाइन बनाई है, जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है हमने इस तरह से ड्रॉ की है, जो कि अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। अब ये जो ट्रेंड लाइन थी हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था वो ट्रेंड लाइन थी, हम उसे डिलीट कर लेते हैं। अभी ये ट्रेंड लाइन को हम समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, राइट, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे पैटर्न फेलियर हो गया और यहाँ पे मे बी हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होता। लेकिन यहाँ पे एक बात अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें यहाँ पे रेड कैंडल मिली थी, ग्रीन कैंडल नहीं मिली थी, राइट। तो उसी वजह से हमें ग्रीन कैंडल को देखना है। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ हमें यहाँ पे पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये यहाँ तक चला गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, हमें सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये स्टॉक यहाँ तक चला गया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ तक चला गया, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ तक चला गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, ऊपर गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी तो हम इसमें पोजीशन ही नहीं बनाएंगे, राइट। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, फिर से ऊपर गया, ये यहाँ तक चला गया, राइट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी इसमें दोस्तों पैटर्न फेलियर भी हो जाएंगे, पैटर्न सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। अभी यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, और मान लीजिए हमारा यहाँ पे फेलियर हुआ, तो बहुत बार आपका पैटर्न सक्सेसफुल होगा, खाली कम टाइम पे आपका पैटर्न फेलियर होगा। तो ये इसमें बेनिफिट आपको मिल जाता है। और वैसे तो यहाँ पे वैलिड सिग्नल नहीं था क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी ही नहीं थी, राइट, लेकिन फिर भी एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बता दिया। अभी ये ट्रेंड लाइन को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से ये ट्रेंड लाइन वर्कआउट होती है उसका, और फिर फाइनली हम ये वीडियो को रोक देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करके रखी है, तो उसके जरिए भी आपको समझ में आएगा। अभी ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्कआउट की है ये लाइव बेसिस पे मैंने मार्कआउट करने की कोशिश की है। अभी ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, टाइटन का स्टॉक आज के दिन में इस तरह से ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे, यहाँ से हमने मार्कआउट किया है, राइट, और ये एक लेवल पकड़ ली है। अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक गया, राइट, ये लेवल तक गया, यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई,
ग्रीन कैंडल बन गई, उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, राइट। अभी यहाँ पे हमें वेट करना है कि ये लेवल तक, यानी कि ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है, तो ये ट्रेंड लाइन तक ये कैंडल स्टिक चार्ट कब आता है, और ट्रेंड लाइन पे आने के बाद ग्रीन कैंडल कब बनती है। अभी मान लीजिए आगे जाने के बाद एक बार हिट करना चाहिए यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये कैंडल अभी इन बिटवीन है, तो इन बिटवीन अगर ये कैंडल ऊपर है तो यहाँ पे हम पोजिशन नहीं बनाएंगे, ये कैंडल को हम यानी कि अगले जो भी कैंडल्स बनते हैं उसको, जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडल स्टिक ने टच किया था ट्रेंड लाइन को, ये कैंडल स्टिक ने टच किया था, वैसे हमें आगे जाकर कोई कैंडल स्टिक मिलनी चाहिए, ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्कआउट किया उसे टच करेगी, हिट करेगी। तो जब भी उसे हिट करके ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमें वहां पे बाइंग का सिग्नल मिल जाएगा, और फिर हम वहां पे ग्रीन कैंडल के, जैसे कि मैंने कहा कि हाई के ऊपर बाय करके कैंडल के लो के नीचे बफर लगाकर स्टॉप लॉस लगा के हम 1:2 के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, मैं फिर से आपको बताता हूँ, इस तरह से हमने सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करके हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये कैंडल स्टिक ऊपर है, अभी हमें इंतजार करना है कि कोई कैंडल स्टिक नीचे आकर ये ट्रेंड लाइन को हिट करती है क्या। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम डेफिनेटली इसमें बाय पोजीशन बना सकते हैं। अब ये लाइव बेसिस पे आपको एग्जांपल हो जाता है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे नहीं, हमें इसको कुछ दिन के लिए ट्रैक करना पड़ेगा, और जब ये लेवल पे आता है, ट्रेंड लाइन पे आता है, तो हमारे लिए एक बाय सिग्नल बनेगा, तो हम फ्यूचर में उसे थोड़ा ट्रैक कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज की वीडियो में खाली जो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन रहते हैं उसके जरिए हम उसे, पहले तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली, उसके बाद हमने उसे किस तरह से ड्रॉ किया जाता है वो देख लिया, और उसके साथ हम ट्रेडिंग भी किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि बाइंग सिग्नल जो रहते हैं उसे किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। तो दोस्तों मुझे लगता है ये रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अभी हमने लाइव चैट पे एनालिसिस किया है तो डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।